शुक्रवार को सिटी चैनल से बातचीत के दौरान संत श्री रविदास सभा के प्रदेश अध्यक्ष और समाज सेवक करमचंद भाटिया ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्य वर्तमान सरकार ने बंद कर दिए हैं, उनको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे शिमला शहर का विकास रुक गया है। उन्होंने शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था और वर्तमान सरकार से विकास कार्यों को करने और नए टेंडर निकालने का आग्रह किया। मेरा नाम करमचंद भाटिया है और वैसे मैं संत श्री रविदास धर्मसभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। हमारा जो हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी से और जो हमारे शिमला शहरी के आदरणीय हरीश जनार्था विधायक जी भाई जी हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि जो पूर्व भाजपा सरकार के समय में और पूर्व भाजपा सरकार के नगर निगम के समय में पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी के द्वारा शिमला शहरी में स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य चलाए गए थे, वो वर्तमान में सरकार बदलने के बाद वो कार्य पूरी तरह जो बंद पड़े हुए हैं। जो पूर्व के टेंडर हुए थे उन्हीं पर कार्य जो है जारी है, उन्हीं पर कार्य हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है जो नए टेंडर होने थे और जो नए नक्शे पास हुए हैं शहर में, उसको लेकर अभी तक जो कोई भी टेंडर नहीं हुए हैं और कोई भी कार्य नहीं हुए हैं और पूरे कार्य जो बंद पड़े हुए हैं। तो हमारा आदरणीय से जो हमारे शिमला शहरी के विधायक सुरेश विधायक जो हमारे हरीश जनार्था जी हैं, उनसे आग्रह है कि इन टेंडरों को किया जाए और जो नक्शे पास हो चुके हैं उन नक्शों पर भी कार्य आरम्भ किया जाए, ताकि जो शहर की जनता को जो स्मार्ट सिटी की योजना का जो फायदा हो सके। आपने जिस भी रूप में जिस भी कार्य रूप में जो हरीश जनार्था जी उसमें कार्य करवाने चाहते हैं, हम चाहते हैं उस कार्य को बड़ी तेजी से करवाया जाए, क्योंकि 5-6 महीने जो है स्मार्ट सिटी के कार्य लेट हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।